लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइसिंग यानी कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में देखा था। जरा देखें सेक्शन 92 ए 92 बी 92 सी डी ई एफ, ये सेक्शंस हैं इस चैप्टर में। मैंने कहा था नाम तो ट्रांसफर प्राइसिंग है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पर भी ये चैप्टर इक्वली एप्लीकेबल होगा, याद आया होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में जब मैंने बताया था तो पहले चार्जिंग सेक्शन मैंने डिफाइन किया था, सेक्शन 92, और सेक्शन 92 में पहला वर्ड जो मैंने बोला था एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आया ना, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल बी कॉम्प्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द एएलपी आर्म्स लेंथ प्राइस। और यहां पर जब मैंने इनकम बात बोली थी तो एक स्टार लगा दिया था और मैंने बताया था इनकम का मतलब यहां पर एक्सपेंसेस से भी लिया जाएगा, इंटरेस्ट से भी लिया जाएगा। और इसके बाद मैंने पॉइंट नंबर टू डिफाइन किया था इसी सेक्शन का, सेक्शन नंबर 92 का पॉइंट नंबर टू, सब क्लॉज टू, सब सेक्शन टू। मैंने कहा था कि कोई कंट्रीब्यूशन हो, कोई एक्सपेंसेस का एलोकेशन हो, कोई एक्सपेंसेस का अपॉर्शनमेंट हो, उसको भी हम आर्म्स लेंथ बेसिस पर ही चार्ज करेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर टू ए मैंने बताया था स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पर भी यह चैप्टर इक्वली एप्लीकेबल होता है। और पॉइंट नंबर फोर था कि अगर ऐसे कैलकुलेशन से, आर्म्स लेंथ प्राइस के कैलकुलेशन से कोई लॉस आ जाता है, प्रॉफिट घट जाता है या लॉस बढ़ जाता है तो वहां पर यह चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। पक्की बात है? याद आया? नहीं याद आया। सेक्शन 92 ए मैंने बताया था एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन। तीन तरह से एसोसिएट एंटरप्राइज को डेफिनेशन को डिफाइन किया गया था। एक तो जनरल डेफिनेशन थी सेक्शन 92 ए वन में, और एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है उसी की डिफाइन किया गया सेक्शन 92 ए टू में। जो पहला बोला गया उसमें कहा गया कंट्रोल मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन कैपिटल, पार्टिसिपेशन इन कंट्रोल। क्लियर? और इसी चीज को डिफाइन किया गया है स्पेसिफिकली सेक्शन 92 ए टू में। क्या बोला गया है? सबसे पहले कैपिटल पार्टिसिपेशन को हम लोगों ने देखा था कम से कम 26% या उससे अधिक की वोटिंग पावर, 26% और मोर देन द वोटिंग पावर इज होल्ड बाय वन एंटरप्राइज। दूसरा मैंने बताया था इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज, एक बंदे की, एक एसोसिएट एंटरप्राइज की, एक एसोसिएट एक दूसरे एंटरप्राइज में 26% से अधिक की होल्ड है, उसकी दूसरे में भी है, तो ये दोनों भी हमारे क्या बन जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज, बताया था। दूसरा मैंने फिर डिफाइन किया था कैपिटल पार्टिसिपेशन में, दो डिफाइन करने के बाद कंट्रोल पार्टिसिपेशन, कि अगर 51% से ज़्यादा का लोन बुक वैल्यू के एसेट्स की बुक वैल्यू का 51% या उससे अधिक का लोन कहीं एक बंदे से मिला हो तो। क्लियर है? या गारंटी की बात की गई थी, टोटल लोन का 10% गारंटी पर्टिकुलर किसी एक एंटरप्राइज ने दिया है, वो भी हमारा क्या माना जाएगा? एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा। मैनेजमेंट पार्टिसिपेंट्स की बात की गई थी, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में क्या बताया गया था? अगर किसी एक एंटरप्राइज के पास ये अधिकार है, राइट है कि वो दूसरे एंटरप्राइज के आधे से अधिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा सके, अपॉइंट कर सके या गवर्निंग बॉडी के आधे से अधिक मेंबर्स को अपॉइंट कर सके, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके किसी एक, या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को अपॉइंट कर सके किसी एक को, याद आ गया होगा। और इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज भी बताया था, सेम वही चीज डिफाइन की थी, इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज, याद आया। फिर आगे मैंने बोला था कि अगर मेरा बिजनेस जिसमें मैं डीलिंग करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ आर्टिकल और थिंग का, प्रोसेसिंग करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ, वो पूरी तरह डिपेंड है किसी दूसरे एंटरप्राइज के दिए गए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फीस, फार्मूला, फलाना एंड डिमाका, पूरी तरह उस पर डिपेंड है, वो भी हमारा क्या माना जाएगा? एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा। सीक्रेट फार्मूला वगैरह सब था। फिर मैंने इसके आगे और कंटिन्यू किया कि 90% से अधिक का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन जो होता है हमारे बिजनेस में, हम किसी पर्टिकुलर एक एंटरप्राइज से परचेस करते हैं। यहाँ जो हम, फिर अगला बताया था कि जो हम सामान सेल करते हैं वो सेलर के टर्म्स पर नहीं,
जिसको सेल करते हैं उस परचेजर के टर्म्स एंड कंडीशन पर जो हमारे सामान के सेल करने को इन्फ्लुएंस करता है। फिर मैंने बताया था एक इंडिविजुअल का एक बिजनेस है, उसी इंडिविजुअल का दूसरा बिजनेस है, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। मेरा इंडिविजुअल का एक बिजनेस है, मेरे रिलेटिव का बिजनेस है, या तो हम दोनों लोग मिल करके उस दूसरे बिजनेस को कंट्रोल करते हों या अलग वो करे, कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों भी क्या माने जाएंगे, एसोसिएट। एक HUF है, उसका एक बिजनेस है, एंटरप्राइज है, उसी HUF के एक मेंबर का एंटरप्राइज है, या हमारे रिलेटिव्स का, उन इंडिविजुअल्स के रिलेटिव्स का उस पर कंट्रोल है, तो भी इस HUF का एंटरप्राइज और उस रिलेटिव या मेंबर्स का एंटरप्राइज आपस में क्या हो जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। किसी पार्टनरशिप फर्म में, AOP में, BOI में किसी दूसरे एंटरप्राइज या पर्सन का 10% से अधिक का इंटरेस्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो भी क्या कहलाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज। ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया थे। आज हम लोग को देखना है सेक्शन 92B, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। 92A फॉर एसोसिएट एंटरप्राइज, 92B फॉर बिजनेस, बिजनेस मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डिफाइन कैसे किया गया, दुनिया भर की जितनी चीज़ें हो सकती हैं बिजनेस डीलिंग में उन सबको शामिल किया गया, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, परचेज हुआ, सेल हुआ, लीजिंग हो गई, चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी की हो चाहे इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की हो, लगभग काफ़ी चीज़ें आ गई। सर्विसेज का प्रोविजन हो गया, फैसिलिटेशन ऑफ सर्विसेज, वो भी ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ गया, या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट किसी दूसरे बिजनेस के, किसी दूसरे जिस ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट पर्पस प्रॉफिट पर बियरिंग हो, यानी हमारे प्रॉफिट को कम करें या ज़्यादा करें, ठीक है ना। अब चाहे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, मैं ज़रा पढ़ता हूँ, और इसमें शामिल है एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, याद आ गया होगा सेक्शन 92 का। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 92C छोड़ दें, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स मीन्स, सुन लें ढंग से, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो दो या उससे अधिक एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हो, किससे बिलोंग करता है, ईदर और बोथ ऑफ हुम आर नॉन रेसिडेंट, मैंने ये बता दिया था, या तो दोनों नॉन रेसिडेंट हो या तो कम से कम एक बंदा तो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। इन द नेचर ऑफ परचेज, सेल और लीज ऑफ अ टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी, पैसा लेना, पैसा उधार देना, और एनी अदर ट्रांजेक्शन हैविंग अ बियरिंग ऑन द प्रॉफिट, इनकम, लॉसेज और इनकम एसेट्स ऑफ सच एंटरप्राइज, एंड शेल इंक्लूड एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एक्सपेंसेस। सारी चीज़ें तो आ गई। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जो दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होता है, जिसमें कम से कम एक एंटरप्राइज नॉन रेसिडेंट हो, जिसमें शामिल है परचेस, सेल और लीजिंग, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का प्रोविजन ऑफ सर्विसेज भी शामिल है, लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी भी शामिल है, या कोई भी ऐसा अदर ट्रांजेक्शन जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पर पड़ता हो, हमारा लॉसेज, हमारे इनकम पर पड़ता हो या एसेट्स पर पड़ता हो, और उसमें शामिल है एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एक्सपेंसेस। अब क्लियर हुआ, सारी चीज़ें आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो हम तुम लोग को आज नहीं बताएंगे और नहीं बताएंगे कि इनटेंजिबल एसेट्स एक अच्छी तरह डिफाइन किया गया है इस पूरे एक्ट में, इस पूरे सेक्शन में इनटेंजिबल एसेट्स को बकायदा डिफाइन किया गया है, और उसमें दुनिया भर की जितनी चीज़ें आ सकती हैं, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, एक एक चीज़ को, फिल्म मेकर, प्रोडक्शन हाउस, हर चीज़ को डाला गया है। ना तो मेरे लिए पॉसिबल है कि उन पूरी लिस्ट को बताऊं, और ना तुम लोग के लिए पॉसिबल है कि उस चीज़ को रट पाओ, क्योंकि वो ऐसी लिस्ट है जो पूरी नहीं है। सेक्शन ने खुद कहा है कि दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट, ठीक है ना। तो ये इंक्लूसिव लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है? इंक्लूसिव लिस्ट का मतलब होता है और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। देखते हो ना, लिखा रहता है एक्सक्लूसिव शोरूम,
एक्सक्लूसिव शोरूम में अगर मेंस वियर है तो लेडीज वियर भी मिल जाएंगे। है देखो, हाँ, अगर मेंस वियर है तो वहाँ केवल मेंस वियर मिलेंगे। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब स्पेशली फॉर मेंस, अगर स्पेशली फॉर लेडीज है तो एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर लेडीज, एक्सक्लूसिव स्पेशली, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये इंक्लूसिव है, स्टोर रूम है, स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, वहाँ आप जाओगे कुछ भी खरीदोगे, चावल बोलोगे चावल मिल जाएगा, है कि नहीं, भगवान को दिखाने वाली अगरबत्ती मांगोगे वो भी मिल जाएगा, टीवी मांगोगे शायद टीवी भी ला कर दे दे, क्लियर है। उसको हम कहते हैं इनक्लूसिव, जो चाहो वो मांग लो। तो ये था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन। एक अच्छी चीज सुनाने जा रहे हैं, ढंग से सुनना। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दो एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में होता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दो स्पेसिफाइड, दो एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में होता है। और मैंने बीच में शुरू में ही बताया था कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का चैप्टर हमारा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पर भी इक्वली एप्लीकेबल होता है, कुछ ट्रांजेक्शन पर। फिलहाल हम उनको किनारे करते हैं, जिसमें 40A है, 10A है, छोड़ देते हैं, वो तुम लोग के लायक है ही नहीं, वो भी क्या करो छोड़ दो, वो CA फाइनल, CMA फाइनल स्टैंडर्ड का है, कहोगे तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करवा देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मैंने दो चीज़ें अभी तक छोड़वाई, पहला पहला इनटेंजिबल एसेट्स की डेफिनीशन, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की डेफिनीशन, और दूसरा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल इन दोनों को किनारे किया। अब जरा एक नई चीज देखते हैं, क्या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो किया गया है अनरिलेटेड पार्टी के साथ, ओहो एसोसिएट इंटरप्राइजेस के साथ करो तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के रूल लगते हैं, क्या अगर हम अनरिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करें तो वहां पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लगेगा? लगेगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ। उसकी कंडीशन समझ लो, जरा देखो मैं कैसे कंडीशन पहले बता दूं। ये X लिमिटेड है, ये Y लिमिटेड है, छोटी सी बात है, छोटा सा प्रोविजन है, जरा ढंग से देखना। ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हैं, ये दोनों क्या हैं? ये इंडिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये जेड लिमिटेड है ऑस्ट्रेलिया की, मान लेते हैं किसी कंट्री की हो, फिलहाल मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब अगर ये सामान इससे परचेस करे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, पक्की बात है। इसने ये रूट नहीं अपनाया, इसने कहा इन लफड़ों में कौन पड़े, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। इसने इसके साथ एग्रीमेंट किया, क्या किया? एग्रीमेंट किया, और ये इससे सामान परचेस करता है। अब इसने इसके साथ क्या किया, क्या किया होगा? सेल कर दिया होगा। तो नॉर्मली ऐसे ट्रांजैक्शन छूट जाते थे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में, क्योंकि ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है? अनरिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन इन दोनों के बीच में पहले से ही कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो इस तरह के ट्रांजैक्शन को प्रोवोक करता है, या इस तरह के ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये म्यूचुअल अरेंजमेंट है। ये दोनों क्या है? म्यूचुअल अरेंजमेंट। अब जरा मैं पढ़ता हूं, समझ में आ गया?
तो इस तरह के ट्रांजेक्शन पर भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के रूल लगेंगे, भले ही वो अनरिलेटेड पार्टी क्यों ना हो। हाँ जी, ये ना ना वहां किसी खर्चे को एलोकेट करने की बात हो रही थी, अपॉर्शन करने की बात हो रही थी या कंट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये एकदम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है। चलें अब जरा उस चीज को पढ़ते हैं। सेक्शन 92B यानी बिजनेस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ने अपने स्कोप को थोड़ा और बढ़ाया। क्या बढ़ाया? और ट्रांजेक्शन बिटवीन एन एंटरप्राइज एंड एन अनरिलेटेड पर्सन, और ट्रांजेक्शन बिटवीन अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ एसोसिएट एंटरप्राइज, यानी इसके लिए तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज का ट्रांजेक्शन या अनरिलेटेड पार्टी के बीच कोई क्या है, एक एग्रीमेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92B सबसेक्शन 2, अ ट्रांजेक्शन बिटवीन एन एंटरप्राइज एंड एन अनरिलेटेड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज इफ इन रिलेशन टू दैट ट्रांजेक्शन, अगर इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो मैंने किया है, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, इनके बीच में और इनके बीच में, देयर एग्जिस्ट अ प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन सच अदर पर्सन एंड द एसोसिएट एंटरप्राइज, इन दोनों के बीच में कोई पहले से ही क्या है, एग्रीमेंट, तो इसके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो ये भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा, या फिर और, द टर्म्स ऑफ द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड इन सब्सटेंस बिटवीन सच अनरिलेटेड पर्सन एंड द एसोसिएट एंटरप्राइज, कि इस तरह का ट्रांजेक्शन इसके कहने पर इन दोनों के बीच में हुआ है, यानी इन टोटालिटी देखो तो ये इन दोनों को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, इसको सामान खरीदना है या कह सकते हो इसको सामान इसको बेचना है, सामान इसको बेचना है, इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए या इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए। नहीं समझे मेरी बात? ट्रांजेक्शन इस तरह का हो, बेटा हम तुम्हें सामान बेच रहे हैं, तुम इसको बेचना, इसलिए इन दोनों के बीच में हो कि हम सामान तुम इससे खरीदो फिर हमको बेचना, एक अनरिलेटेड बायर के साथ, क्लियर है? तो वो भी अनरिलेटेड बायर के साथ किया गया ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आएगा। ये था हमारा सेक्शन 92B जिसने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को डिफाइन किया। अब आते हैं सेक्शन 92C, और सी फॉर मैंने तुम लोग को बताया था कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, आर्म्स लेंथ प्राइस। सेक्शन 92 तो हमारा क्या था, चार्जिंग सेक्शन, बोलो। सेक्शन 92A क्या था, एसोसिएट एंटरप्राइज। सेक्शन 92B है बिजनेस यानी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, और अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन 92C, कॉम्प्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। जिसको हम ALP भी बोलते हैं, ठीक, और हम लोग के लिए CMA इंटर या CS एग्जीक्यूटिव के लिए ये लास्ट टॉपिक है तुम लोग के लिए, इसके आगे तुम लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहोगे तो एक क्लास और फर्दर ले जाएंगे, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो तुम लोग के एग्ज़ाम में आता है इतने के अंदर ही आता है। इसके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, मेथड्स दिए हुए हैं। पहला तरीका, भाई अब दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, जिसको हम TPO बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, जो एसेसिंग ऑफिसर होगा वो कैलकुलेट करेगा आर्म्स लेंथ प्राइस। क्या कैलकुलेट करेगा? आर्म्स लेंथ प्राइस। उसके पास कई तरीके हैं आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के। पहले हम ये मौका आपको देते हैं, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? तो बेटा आप एसोसिएट एंटरप्राइज हो, आप पहले से ही इस तरीके को खुद बना लो, हम मानते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है
आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या एक्चुअल रेट होना चाहिए, बात समझ रहा, आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग कितने की अंदर से अंदर चोरी कर रहे हैं। हम आपको मौका देते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, आप डॉक्यूमेंट्स बनाइए, आप बुक्स ऑफ अकाउंट रखिए, अपने दोनों के इन्फ्लुएंस को बताइए, ट्रांजेक्शन कितने का हुआ, कितने का होना चाहिए, आपने ALP का कौन सा मेथड यूज़ किया, आप खुद करिए। TPO नहीं आने वाला बीच में, मैं नहीं आने वाला, मैं असेसिंग ऑफिसर हूँ, मैं नहीं आने वाला बीच में। आप खुद डिफाइन करके अपना एक्चुअल अमाउंट बता दीजिए, बात समझना, आया ना, मैं वेट करूँगा। आपके पास तरीके हैं, लेकिन अगर आपने वो तरीके यूज़ नहीं किए और मुझे पता चला है या मुझे लगता है, जो बाद में लगेगा, कि जो तरीका आपने यूज़ किया ठीक नहीं किया तरीका, या तरीका आपने यूज़ ही नहीं किया, तो मेरे पास भी तरीके हैं, वही तरीके जो आपके पास थे, यानी दोनों के पास सेम तरीके, ठीक, कैलकुलेशन करने के, और उसमें से हम किसी एक जेन्युइन तरीके को निकाल लेते हैं, उन तरीकों में से, उन मेथड्स में से किसी एक मेथड को जेन्युइनली पिक कर लेते हैं। तो आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जो पहला मेथड है उसको हम लोग कप मेथड भी बोलते हैं, याद करने में चूंकि आसान हो जाता है, कप मेथड बोलते हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। और सबसे पहले हमारी पूरी निगाह इसी पर ही टिकी रहती है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन तो इसी पर ही निपट जाते हैं। रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और जानते हो एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शनल NMN मेथड, नेट मार्जिन मेथड। TNMN, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, ये मेथड्स हैं हम लोग के। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, क्लियर है, कप मेथड जिसको बोलेंगे, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। मेथड्स के नाम याद रहेंगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे, बोलो। देखते हैं कौन सा मेथड कहाँ यूज होता है, हटाएं इसको, एक एक करके पिक करते हैं। मेथड वन, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, देखो इधर सुनना, ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है, ठीक, ये इंडिया की कंपनी है और ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, और दोनों एक दूसरे के एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। एसोसिएट एंटरप्राइज को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ए में, सेक्शन 92A में। हुआ क्या, एक्स लिमिटेड ने सेल किया है वाई लिमिटेड को, ये मत सोच लेना
एक्स लिमिटेड कोई बेच दिया, सामान बेचा है 50 लाख रुपए का, कितने रुपए का, और उतनी ही क्वांटिटी का, दो मिनट के लिए मान लेते हैं, उसने सामान बेचा है किसको, कितने रुपए का, 60 लाख रुपए का, क्वांटिटी सेम है, बोलो ना। इसका मतलब अगर यही क्वांटिटी का सामान वाई लिमिटेड को 60 लाख में बेचा गया होता तो हिंदुस्तान की इनकम 10 लाख रुपए से बढ़ जाती। इससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ या नुकसान है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। वही सामान हमने वाई लिमिटेड को 50 लाख में, क्योंकि वो मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज है, और वही सामान मैंने किसी अनरिलेटेड बायर को 60 लाख में सेल किया। अगर यही सामान मैं अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को भी 60 लाख में सेल करता तो हिंदुस्तान में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होता और उस पर गवर्नमेंट को टैक्स मिलता, हाँ या ना। इसी को हम कहते हैं कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कंपेयर किया और ये अनकंट्रोल्ड प्राइस है, कौन सा प्राइस है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता, ये तो एकदम सीधा सीधा हिसाब किताब दिख रहा है। दोनों की टर्म्स कंडीशन में फर्क आता है, कभी कभी दोनों की टर्म्स कंडीशन में फर्क आता है, जरा देखते हैं कैसे। ये तो मान लिया इतना है, सुनो टर्म्स कंडीशन, जब हम इसको सामान बेचते हैं तो कॉस्ट के साथ साथ इंश्योरेंस और फ्रेट हमें लगाना पड़ता है। मैं एक्स लिमिटेड हूं, मैं जेड लिमिटेड को जब भी सामान बेचता हूं तो मेरी जेब से इंश्योरेंस और फ्रेट जाता है, इसमें मुझे इंश्योरेंस और फ्रेट नहीं लगाना पड़ता, तो बट ऑब्वियस है सस्ते दाम पर सामान बेचेंगे, बोलो ना, बट ऑब्वियस है सस्ते दाम पर सामान बेचेंगे, क्योंकि यहां पर मुझे इंश्योरेंस और फ्रेट नहीं देना पड़ता लेकिन यहां पर देना पड़ता है। डिफरेंसेस इन प्राइस कितना, चलो मान लेते हैं इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसका तो डिफरेंस हटाएंगे ना, और इसको हम नाम देते हैं फंक्शनल डिफरेंसेस। क्या नाम देते हैं, दो एंटरप्राइज के बीच में जब कोई ट्रांजेक्शन होता है और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उन रेट्स में जिनके कारण डिफरेंसेस आ रहे हैं वो फैक्टर्स फाइंड आउट करो, पहले तो उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करो। पहला फैक्टर क्या है, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मान लेते हैं हर चीज मानी गई है, 2 लाख रुपए इंश्योरेंस और फ्रेट लगता है, हटा दो ना, बोलो अब तो ठीक है कि और डाउट है। यहां पर मुझे कोई वारंटी नहीं देनी पड़ती, यहां पर मुझे वारंटी देनी पड़ती है और वारंटी कॉस्ट आती है नियर अबाउट 1 लाख रुपए। मुझे इसको कोई वारंटी नहीं देनी पड़ती लेकिन मुझे इसको वारंटी देनी पड़ती है, बोलो, तो बट ऑब्वियस है हम ज्यादा दाम पर सामान बेचेंगे, लेस वारंटी कॉस्ट। मान लेते हैं 1 लाख रुपए, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अगर इसके अलावा कोई फर्क नहीं है इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें गवर्नमेंट को कितने रुपए का चूना लगाया जा रहा है, 7 लाख रुपए। यानी आर्म्स लेंथ प्राइस कितना होगा, 50 लाख प्लस कितना हो जाएगा, और एक्चुअल ट्रांजेक्शन कितने का है, बोलो 50 लाख। तो इनकम इंक्रीमेंट कितने से करेंगे, इंडिया में इनकम इंक्रीमेंट कितने से करोगे, 7 लाख से, दिस इज योर आंसर, बस इतना ही रहता है। इसी को हम नाम देते हैं
कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, स्टेप्स लिखे हुए हैं तुम लोग की बुक्स में भी, स्टेप्स मिल जाएंगे लिखे हुए कि पहले तो वो ट्रांजैक्शन ले लो जितने पर डीलिंग हुई है, कितने पर डीलिंग हुई है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है। अब फंक्शनल डिफरेंसेस जितने हैं उनको एडजस्ट कर लो, क्या कर लो, अब जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। हम लोग ये सोचेंगे कि अगर ये ना होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, क्लियर। आते हैं हम लोग मेथड नंबर टू पे। जिसको हम लोग नाम देते हैं, बताएं, रीसेल प्राइस मेथड। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, साथ में उसको समराइज करता जाऊँगा। सर आप तो हमें स्टेप्स बता ही नहीं रहे, या तो रट्टा मार लो या तो कंसेप्ट को यहाँ सेट कर लो। हम क्या करेंगे, कंसेप्ट सेट कर लेंगे। मेथड कोई फिक्स नहीं है कि यही मेथड यूज़ करना ही है, दैट इज़ वेरी मच डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस एंड द ट्रांजेक्शन अकर्ड बिटवीन द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। क्लियर, पक्की बात। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैं समराइज करता जाऊंगा, ढंग से सुनना। टेट्रापैक्स ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, होल्ड्स 30% शेयर इन अल्फा इंडिया। इसने होल्ड किया है 30% शेयर्स किसमें, अल्फा इंडिया। जब इसने 30% होल्ड किया है तो इसका मतलब दोनों क्या हो गई, एसोसिएट एंटरप्राइज 26% से अधिक है। अल्फा इंडिया इंपोर्ट्स 1000 टॉवेल डिस्पेंसर्स फ्रॉम टेट्रापैक, इंपोर्ट किया है 1000 पैक्स। हाँ या ना, 2900 रुपए के हिसाब से, कितने के हिसाब से, एंड दीज आर सोल्ड टू हयात रीजेंसी 3000 पर यूनिट। और इसके बाद क्या कर दिया, इसको रीसेल कर दिया, किसको, हयात को, कितने रुपए पर, खरीदा कितने में और उसी को खरीद कर बेचा कितने में, कितने में, 3000। अल्फा लिमिटेड, अल्फा इंडिया हैज बॉट सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम अल्टीमेट इंडस्ट्री। अल्फा सेम प्रोडक्ट खरीदती है, जानते हो किससे, अल्टीमेट इंडस्ट्री से। कहां से, अल्टीमेट लिमिटेड से, कहीं की भी हो सकती है, इंडिया की हो, बाहर की हो, उसे कोई लेना देना, सेम टाइप का प्रोडक्ट है जो इसने खरीदा, क्लियर। और सेल करती है ताज पैलेस को, रीसेल करती है किसको, ताज पैलेस को।
12% जीपी पर, ग्रॉस प्रॉफिट पर. किस पर जीपी है? ऑन सेल्स. सेम टाइप का सामान खरीदती है और ताज पैलेस को उसने सप्लाई किया 12% पर. सोचो ना, सेम टाइप का सामान इंपोर्ट किया है इतने रेट पे और 3000 पे ट्रांसफर कर दिया. सेम टाइप का सामान उसने कहीं और से खरीदा और 12% जीपी लेकर के बेचा. क्लियर? इसका मतलब कुछ तो डिफरेंसेस दिख रहे हैं. टेट्रा पैक ऑस्ट्रेलिया ऑफर्स अ क्वांटिटी डिस्काउंट 10 रुपीज पर यूनिट. ये ऑफर देता है 10 रुपीज पर यूनिट क्वांटिटी डिस्काउंट के नाम से. किसके नाम से? जबकि अल्टीमेट लिमिटेड इस तरह का कोई ऑफर नहीं देता. अल्फा लिमिटेड इनकर्ड फ्रेट 10 रुपए. ये भी अल्फा इंडिया है लेकिन यहां पर 10 रुपए क्या लग रहे हैं? फ्रेट इनकर कर रही है कंपनी, खुद इनकर कर रही है. इस केस में इनकर नहीं करना पड़ रहा और कस्टम ड्यूटी है 25 रुपए के हिसाब से. यह है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बता सकते हो क्या होगा? चलो सबसे पहले ये मान लो कि जो 3000 का सामान बेचते हैं, सेम टाइप का सामान खरीद कर हम दूसरे को बेचते हैं तो 12% जीपी कमाते हैं. तो इसका मतलब यहां पर भी हम 12% जीपी कमा सकते थे. रीसेल करने में हम कितना कमा सकते थे? 12%. पक्का ना? बोलो. यानी यहां पर भी हम 360 रुपए कमा सकते थे. अगर 360 रुपए कमा सकते थे और सेल हमारी 3000 की है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? 2640. ठीक. पक्का? यहां से जो सामान आता है 10 रुपए का क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है. यहां से जो सामान आता है क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलता. हम क्या करें? हमको सामान कितने में मंगाना चाहिए था? 2630 में. कितने में? क्योंकि 10 रुपए तो क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है ज्यादा सामान खरीदने पर. कहां से? टेट्रा पैक से. तो क्वांटिटी डिस्काउंट, इसका मतलब हमें सामान कितने में खरीदना चाहिए था? 2650 में. कितने में खरीदना चाहिए था? 10 रुपए छूट लेने के बाद. हमको तो ये नॉर्मली ऑफर करता है ना, तो ऑफर कर रहा है, करने दो. ठीक है, हमको ऑफर कर रहा है. सेम ट्रांजैक्शन पर हम 12% प्रॉफिट कमाते हैं, हमने मान लिया 12% प्रॉफिट कमाते हैं. हमें ये 10 रुपए का छूट देता है क्वांटिटी डिस्काउंट पर. ठीक है, तो हमें ये सामान कितने में आना चाहिए? 2630 में. पक्का? फ्रेट. यहां पर फ्रेट नहीं लगता, वहां फ्रेट लगता है. यहां फ्रेट नहीं लगता. कहां पे? यहां पे. यहां फ्रेट लगता है. इनकर करता है. कौन इनकर करता है? अल्फा. कौन इनकर कर रहा है? अल्फा इनकर कर रहा है. और यहां पर फ्रेट कौन बियर कर रहा है? अल्टीमेट. हाँ या ना? इसका मतलब इसकी कॉस्ट और कम होनी चाहिए. बोलो.
क्योंकि यहां पर फ्रेट कौन बर्दाश्त कर रहा है, मैं खुद बर्दाश्त कर रहा हूं। करना किसको चाहिए था, उसको करना चाहिए था, यानी सामान मुझे 2600 और कम में आना चाहिए था। फ्रेट कितने का इनकर किया मैंने, और कस्टम ड्यूटी कितने की बर्दाश्त की, कितना हो गया, नहीं बोलो, यानी ये सामान मुझे 2595 पे मंगाना चाहिए था, उसके बाद मुझे 25 रुपये कस्टम ड्यूटी देनी थी, 10 रुपये का फ्रेट देना था, बोलो, और 10 रुपये का क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता, यानी टोटल मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाती 2640 और 12% प्रॉफिट जोड़ करके हम उसको 3000 में बेच लेते, क्या दिक्कत थी। जो भी फंक्शनल डिफरेंसेस थे वो मैंने एडजस्ट कर लिए, कॉस्ट ऑफ परचेज कितने यूनिट्स हैं, 1000, तो टोटल कॉस्ट टू बी कितना, 2595000, लेकिन एक्चुअल में कितना दिखाया गया है, एक्चुअल में कितना दिखाया गया है, 2900 के हिसाब से 2900000 दिखाया गया है, बोलो ना, यानी हमने अपने यहां कॉस्ट बढ़ा कर दिखाई है, जबकि कॉस्ट होनी कितनी चाहिए थी, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा दो, इनकम इंक्रीमेंट कितने का हो जाएगा, 305000, बोलो आगे आंसर नोट करो। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देख लिया, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, सेकंड मेथड रीसेल प्राइस, देखो ना खरीद करके रीसेल करने वाले प्राइस को बेस ले लिया था, तीसरा मेथड है कॉस्ट प्लस मेथड। देखते हैं क्या है, फिर से वही बात, यहां तो कहो तो स्टेप बता दे, यहाँ तो कोई क्वेश्चन देखें अपने आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। दोनों कंसेप्ट समझ में आया, एक में दोनों प्राइसेस सामने रखी प्लस माइनस कर लिया, एक में रीसेल वैल्यू पर जितना प्रॉफिट कमा सकते थे उसी तरह के ट्रांजैक्शन पे उसको वापस ले आए, तीसरा है कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस का मतलब जो कॉस्ट मैथड आता है, जैसे एक्चुअल कॉस्ट निकाल लो प्रॉफिट जोड़ लो, देखा जाए। ऑल्टो लिमिटेड जर्मनी होल्ड्स 35% शेयर इन बीटा लिमिटेड इंडिया, शेयर्स बीटा लिमिटेड इन इंडिया, क्लियर। बीटा लिमिटेड डेवलप सॉफ्टवेयर एंड डज बोथ आउटसाइड एंड ऑफसाइट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर वेरियस कस्टमर, इसका काम है साइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, क्लियर, क्या बनाना, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। बीटा लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर बिल्ड ऑल्टो लिमिटेड जर्मनी फॉर 100 मैन आवर्स एट द रेट ऑफ 2000 पर मैन आवर, इसने इसको सेल दिखाया, सॉफ्टवेयर का क्या दिखाया, सेल, कहा कि आपके ऊपर 100 घंटे का काम हुआ है और 2000 रुपये पर आवर के हिसाब से 200000 रुपये आप हमको दो, बोलो, यानी इसके ऊपर बिलिंग कितने की हुई, यानी ये 200000 रुपये इसको दे,
अब ये खुश हो गया 2 लाख, खुशी होने वाली बात नहीं है, जरा देखो आगे। द टोटल कॉस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस वर्क अमाउंट टू ₹1,75,000। जो इस काम का कॉस्ट है ना, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी मालूम है? यानी ये अपने यहां प्रॉफिट कितना शो कर रहा है, कितना शो कर रहा है? 25,000। पक्का ना? अब हमको ये बताना है, क्या ये 25,000 का प्रॉफिट सही में शो है या कुछ इसमें भी तिकड़मबाजी है? हमारा काम तो यही है ना। देखो क्या है क्वेश्चन में, हावर बीटा लिमिटेड बिल्ड सी लिमिटेड। अच्छा, बीटा लिमिटेड ने इसी चीज को बिल किया है, किसको सेल किया है? सी लिमिटेड को। क्या है उसके साथ? ₹3,000 पर मैन आर एज एट द रेट ऑफ 3,000 पर आवर, और इसके यहां कितना चार्ज किया है? ₹2,000 पर आवर। कितने रुपए का डिफरेंस आ गया? सीधे सीधे 1 घंटे का 1,000 का फर्क आया। पहले तो ये पता चले ना, ये 1,000 का फर्क है क्यों? उन डिफरेंसेस को हटाओ। फॉर द सिमिलर लेवल ऑफ मैन पावर एंड अर्न अ जीपी 50% ऑन इट्स कॉस्ट। और इस तरह के सेल पर प्रॉफिट कितना कमाता है ये? जीपी 50% ऑन कॉस्ट। किस पर? इधर देखो, अगर कॉस्ट 100 है तो ये 50 होगा, तो इसका मतलब ये 150 होगा, ये 1,000 आ जाएगा और ये 2,000। कुछ समझ में आया? इसके और इसके ट्रांजैक्शन में फर्क नजर आ रहा है। वही सामान जब हम दूसरे को बेचते हैं तो ₹2,000 के हिसाब से कॉस्ट आती है। जब मैं अपने बंदे को सामान बेच रहा हूं तो वहां पर कॉस्ट कुछ ये आ रही है, 100 घंटे की यानी कि ₹1,750। 1 घंटे की कितनी हो गई? 1,750। 1 घंटे की कितनी हो गई? 2,000। दिख रहा है ना फर्क? वही काम है लेकिन हमने दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस कर रखा है। लिखा है द ट्रांजेक्शन ऑफ बीटा लिमिटेड विद ऑल्टो लिमिटेड एंड सी लिमिटेड आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डिफरेंसेस। ये ऐसा किस लिए हुआ जरा देखो। व्हाइल बीटा लिमिटेड ड्राइव्स टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम ऑल्टो लिमिटेड, बीटा लिमिटेड इससे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेता है। देर इज नो सच टाइप ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सी लिमिटेड, और ऐसा सपोर्ट हमको सी लिमिटेड से नहीं मिलता। बीटा लिमिटेड सपोर्ट लेता है किससे? ऑल्टो से। लेकिन बीटा लिमिटेड सपोर्ट नहीं लेता टेक्नोलॉजी का किससे? सी से। एंड इट मे बी पुट एट 20% ऑफ द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। सोचो, अगर हम जीपी का रेट रखे हुए हैं कितना? 50%, और कह रहा है जीपी के बेसिस पर ही सपोर्ट रिसीव फ्रॉम ऑल्टो लिमिटेड मे बी पुट एट 20% ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट का सीधे सीधे 20% हमारा क्या है? टेक्निकल सपोर्ट का है। इससे हम 50% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इससे क्या 50% का मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी सपोर्ट ले रखा है। क्या ले रखा है? और अगर टेक्नोलॉजी सपोर्ट ले रखा है बिना लिए इतना है, तो इसका मतलब अगर हमने सी लिमिटेड से भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट लिया होता तो शायद हमें भी 20% ऑफ 50% क्या होता? कम मिलता प्रॉफिट। मनी समझ में आई बात? 50% है और ये 20% ऑफ 50%, 20% ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट लिखा है ना, तो 20% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा?
इसका मतलब अगर हमें सपोर्ट मिलता तो शायद हम सी लिमिटेड से 40% का ही प्रॉफिट कमा पाते। बोलो, अगर सपोर्ट मिलता तो हम कितना कमा पाते? 40%। सी लिमिटेड को सामान बेच रहे हैं, 50% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन अगर उससे सी लिमिटेड से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिए होते तो शायद हमारा प्रॉफिट घट करके 40% हो जाता, क्योंकि हम सपोर्ट तो यहाँ ले रहे हैं ना आल्टो से। अगर यही सपोर्ट इससे भी लिए होते तो शायद ये हमारा प्रॉफिट घट करके 40% पर रह जाता। क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट दिया, एज ऑल्टो लिमिटेड गिव्स बिजनेस इन अ लार्ज वॉल्यूम। ये बहुत ज़्यादा बिजनेस देता है इसको, ये बहुत ज़्यादा बिजनेस देता है। बीटा लिमिटेड ऑफर टू ऑल्टो लिमिटेड अ क्वांटिटी डिस्काउंट विच में बी वैल्यूड एट 10% ऑफ द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। ये चूंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस देता है तो हम इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते। कम प्रॉफिट लेकर के ज़्यादा बिजनेस करो, कम प्रॉफिट लेकर के वॉल्यूम में बिजनेस करो। तो अगर मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज है और मुझे सपोर्ट कर रहा है मार्केटिंग करने में, तो मैं उस कुछ कम दाम पर सामान बेचूंगा ही, चाहे मेरा ये एसोसिएट होता है नहीं होता। कोई अनरिलेटेड पार्टी आ जाए मेरे सामने कहे कि हमको इतना सामान दो, तो मैं शायद उसको सस्ते में सामान दे दूँ। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो अगर सी को मैं सामान बेच रहा हूँ और वो कम क्वांटिटी में खरीद रहा है तो हम इसे क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं देते। लेकिन अगर वही सी लिमिटेड हमसे भी ज़्यादा क्वांटिटी सामान लेता, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान हमसे बाई करता, तो शायद हम उसको भी क्या दे देते, और कितना देते मालूम है ना, 10% ऑफ द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। कितना देते? 10% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 5% का हम उसको भी फायदा दे देते। यानी इस केस में तब हमको 35% का ही जीपी फायदा मिलता। आगे चलें। फिर लिखा है इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू ऑल्टो लिमिटेड। ऑल्टो लिमिटेड को जब हम सर्विसेज देते हैं, बीटा लिमिटेड नीदर रन्स एनी रिस्क नॉर इनकर्स एनी मार्केटिंग कॉस्ट। इस केस में ना तो हमको कोई मार्केटिंग कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, ना तो हमको कोई सपोर्ट देना पड़ता है। इसको कोई सपोर्ट नहीं देना पड़ता। ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इसको दे रहा था, उसका तो लेस कर दिया। ये इसको कोई सपोर्ट नहीं देता, लेकिन ये अनरिलेटेड पार्टी है। थोड़ा भी सामान खराब होता है तुरंत फोन करता है, क्यों भाई सामान क्यों खराब हुआ, सपोर्ट करो। नहीं समझे बात? समझ में आई? इसको सपोर्ट देना पड़ता है। बीटा लिमिटेड सी लिमिटेड को हमेशा सपोर्ट करता है मार्केटिंग के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको कोई सपोर्ट नहीं करना पड़ता, कोई रिस्क नहीं बर्दाश्त करना। तो जब हमें सामने वाले को सामान बेचने में रिस्क नहीं है तो हम कुछ कम सामान पैसा लेकर के सामान बेचेंगे ना, और जब रिस्क ज़्यादा होती है तो कुछ प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा करके लेते हैं। तो हमने सी लिमिटेड से ज़्यादा लिया, इसका मतलब ऑल्टो लिमिटेड से लेते तो शायद थोड़ा कम लेते। कितना कम लेते ज़रा देखो। ऑन द अदर एंड इन केस ऑफ सर्विसेज टू सी लिमिटेड, बीटा लिमिटेड हैज़ टू एज्यूम ऑल द रिस्क एंड कॉस्ट एंड इट इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। यानी रिस्क फैक्टर पर अगर ध्यान दो तो 10% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, फिर से कितना? इसका मतलब कि हमें बीटा लिमिटेड से एल्टो लिमिटेड से कम 30% का तो जीपी लेना चाहिए था। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट, बीटा लिमिटेड ऑफर्ड 1 month क्रेडिट टू ऑल्टो लिमिटेड। बीटा लिमिटेड ऑफर्ड 1 month क्रेडिट टू ऑल्टो लिमिटेड, इसने इसको उधार माल बेचा है 1 महीने का, और द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच क्रेडिट मे बी वैल्यूड एट 3% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नो सच क्रेडिट वॉज गिवन टू सी लिमिटेड। इसने इसको कोई फायदा नहीं दिया, 1 महीने का उधार का सामान नहीं बेचा, लेकिन इसने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को एक फ़ायदा दे दिया गलत तरीके से। कितने का? 1 महीने का। और अगर 1 महीने का फ़ायदा दिया है तो इसका कुछ ना कुछ लॉस हो गया? नहीं लॉस हुआ। किस चीज़ का लॉस हुआ? इंटरेस्ट का। और वो बता रहा है कितना इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है, 3% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब जब हम सामान बेचेंगे उसको और बढ़ा देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, उल्टा हो गया, घटाएंगे नहीं अब बढ़ाएंगे। क्योंकि ये सामान अगर नॉर्मल केस में सी लिमिटेड की तरह बेचा जाता तो शायद हम 30% पर मान जाते, लेकिन अब बीटा ऑल्टो लिमिटेड को सामान सेल कर रहे हैं 1 महीने की क्रेडिट पर। बीटा लिमिटेड ऑल्टो लिमिटेड को 1 महीने की क्रेडिट पर सामान सेल कर रहा है तो अपना कुछ प्रॉफिट बढ़ा करके तो लेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट का नुकसान होगा। किसको? बीटा लिमिटेड को। तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो इस केस में प्रॉफिट को बढ़ाएगा 1 month क्रेडिट पीरियड।
लिखा है 3% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, तो आ जाएगा 1.5%, यानी टोटल हो जाएगा 31.5%। ये नॉर्मल जीपी है जो कि कलेक्ट करना चाहिए बीटा लिमिटेड को ऑल्टो लिमिटेड से। ये नॉर्मल जीपी है जो कलेक्ट करना चाहिए किससे? ऑल्टो लिमिटेड से। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू बीटा लिमिटेड कितना है? 1,00,000 प्लस जीपी, इतना लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? 31.5% ऑफ 1,75,000। बताओ कितना आएगा? तो सेल करना चाहिए था टू बी, कितना है? 50,000 समथिंग आएगा। कितना आ रहा है? 55,000। पचपन 125, यानी 25 30, कितना आ जाएगा? 2,30,125। इतने में सामान बेचना चाहिए था। बेचा कितने में? बेचा कितने में है अल्टो को? 2,00,000 में। क्यों भाई 2,00,000 में क्यों बेचा है? तुमको तो सामान इतने पर बेचना चाहिए था। नॉर्मल हमने निकाल लिया, सामान कितने पर बेचना चाहिए था? और बेचा कितने में है? एक्चुअल सेल कोटेड 2,00,000। तो इनकम इंक्रीमेंट कर दो, बोलो। इधर देखना, इसी को कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड, हमें क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख करके हमें समझना पड़ेगा हमें एडजस्टमेंट कौन सा करना है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस का या रीसेल प्राइस का या कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने का। क्यों? नोट करें जल्दी से इसको। मेथड नंबर 1 देख लिया, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड। अब जरा देखते हैं मेथड नंबर कौन सा, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। होता क्या है जानते हो? जिसने जितना इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है, मान लो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान तीनों मिल करके किसी काम को करें, कुछ पैसा हमसे वसूला गया, कुछ पैसा इससे वसूला गया, कुछ पैसा इससे वसूला गया, जितना प्रॉफिट आया कुछ प्रॉफिट इसको दे दिया गया, कुछ प्रॉफिट इसको दे दिया, कुछ प्रॉफिट हमें दे दिया गया। हो सकता है कि जितना कॉस्ट मुझसे लिया गया वो ज़्यादा ले लिया गया, हो सकता है कि मुझको जितना प्रॉफिट दिया जाना चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं दिया गया, दोनों तरफ से हिंदुस्तान का टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, मारा गया। अब हो तुम सज्जन आदमी, अब निकालो, कैलकुलेट करो कि हिंदुस्तान वाले के फेवर में कितना आना चाहिए था और आया कितना। अब बात समझ में आई? तीनों लोग मिल करके कोई काम किए, हम तीनों लोग एसोसिएट एंटरप्राइज, और तीनों लोगों ने कहा चलो चलो इतना तुम पैसा लगाओ, इतना तुम पैसा लगाओ, इतना तुम पैसा लगाओ,
जितना प्रॉफिट आएगा उसका इतना हिस्सा तुमको, उसका हिस्सा इतना हिस्सा उसको, इतना हिस्सा हमको। हो सकता है कि हमको कॉस्ट ज़्यादा वसूली गई ताकि प्रॉफिट मेरे यहाँ क्या आ जाए, कम आ जाए। हो सकता हो कि कॉस्ट ठीक वसूली गई लेकिन जो हमको कॉन्ट्रीब्यूशन मिला वो कम मिला ताकि हमको फ़ायदा कम हो जाए। इन टोटालिटी दोनों केसेस में नुकसान गवर्नमेंट को है। तीसरा तरीका हो सकता है, कॉस्ट भी ज़्यादा वसूली, प्रॉफिट भी कम कर दिया गया, दोनों तरफ से मारे गए। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अब तुम लोग को प्रॉफिट को क्या करना है, ईमानदारी के साथ क्या करना है, तोड़ना है। ZMC टेक्नोलॉजी सिंगापुर, तुम लोग कहाँ कहाँ घूम कर आ रहे हो पता भी नहीं चल रहा है। ZMC सिंगापुर होल्ड्स 25% इन एमको लिमिटेड। फर्दर क्रेस्ट लिमिटेड USA होल्ड 32%। तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई, दोनों दोनों, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज। एमको लिमिटेड इंडिया डेवलप सॉफ्टवेयर एंड डज बोथ आउट ऑन साइट एंड ऑफ साइट कंसल्टेंसी। इसका काम है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद ऑन साइट और ऑफ साइट कंसल्टेंसी देना। क्रेस्ट लिमिटेड USA हैज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट, इसका दुनिया भर में नाम है, हर जगह इसका काम होता है। क्रेस्ट लिमिटेड USA रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ट्रायम लिमिटेड USA, इसको एक ऑर्डर मिला टी लिमिटेड USA से। अब USA की कंपनी है, तुरंत डील कर ली इसने, हिंदुस्तान में कोई ऑर्डर आएगा तो जाहिर सी बात है एमको लिमिटेड को दिया जाएगा। अब ट्रायम लिमिटेड से ऑर्डर आया टी लिमिटेड से, तो तुरंत क्रेस्ट लिमिटेड ने उसको खींच लिया। फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द सेम, ZMC लिमिटेड सिंगापुर, क्रेस्ट लिमिटेड एंड एमको लिमिटेड हैव ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड इंटीग्रली टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब इस काम को तीनों कंपनियां मिलकर करेंगी, जो ऑर्डर मिला है उसमें एमको भी रहेगी, क्रेस्ट भी रहेगी और ZMC भी रहेगी, तीनों लोग मिलकर के उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। क्रेस्ट लिमिटेड USA फाइनली डिलीवर्स द प्रोडक्ट टू ट्रायम लिमिटेड एंड रिसीव्स कंट्रीब्यूशन ऑफ $50,000। कितना डॉलर मिलेगा इसको, सामान ये एग्जीक्यूट करके इसको दे देगी और पैसा ले लेगी, क्लियर। क्रेस्ट लिमिटेड USA इन टर्न्स पे टू ZMC एंड एमको लिमिटेड $10,000 एंड $12,000। इसको $10,000 मिलेगा। अब जो $50,000 आएगा उसमें से $10,000 किसके पास जाएगा, ZMC के पास। $12,000 किसके पास जाएगा, एमको के पास। इसका मतलब बाकी क्यों कौन रखेगा, एंड द बैलेंस फॉर इट्सेल्फ क्रेस्ट लिमिटेड। बोलो ना कितना, $28,000। क्यों भाई, बट गया। इन द इंटायर ट्रांजेक्शन अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 इज अर्न्ड। इस पूरे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट तो 40,000 आई होगी। बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, अच्छा, एमको लिमिटेड इंडिया इनकर्ड अ टोटल कॉस्ट ऑफ 9,500। इसके लिए कॉस्ट कितनी आई, ये दिया हुआ है हमको, आगे दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म रिस्क एज्यूम्ड एंड द एसेट एम्प्लॉयड द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन में बी टेकन एट 50% एमको लिमिटेड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, 50% इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, 20% ZMC के लिए, और कॉन्ट्रीब्यूशन 30% क्रेस्ट के लिए।
कि जो भी इन लोगों का हिस्सा है कंट्रीब्यूशन, जो ज़्यादा रिस्क लेगा उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा। अब हो सकता है फ्यूचर में एमको लिमिटेड को टेक्निकल सपोर्ट देना पड़े क्रेस्ट टी लिमिटेड को, ये लोग तो बाहर हो गए काम लेकर के खा पी करके किनारे हो गए, इसका रिस्क अभी भी चल रहा है, तो इसने कहा भैया हमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा चाहिए, तो इसने कंट्रीब्यूशन कितने का लेना है 50%, इसने कंट्रीब्यूशन कितने का लेना है 30%, इसने कंट्रीब्यूशन कितने का लेना है 20%। अब अगर $10,000 का फायदा हुआ है तो प्रॉफिट कितना कितना बटना चाहिए तुम लोग बताओ, 2,000 इसको बटना चाहिए हाँ या ना, 5,000 और 3,000, क्लियर है? हमें इन दोनों से क्या लेना देना, हमें बेसिकली मतलब किससे है, इंडिया से हाँ या ना, तो कॉस्ट इनकर्ड कितना है 9,500 प्लस कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा कितना होना चाहिए 5,000, बोलो ना, टोटल अमाउंट टू बी चार्ज कितना होना चाहिए, कितने का, $14,500 का, लेकिन अमाउंट दिया कितना गया है, बिल कितने का किया गया कुछ मालूम है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया बिल कितने का बनाया गया है, मालूम है शायद $12,000। आखिर 50,000 में कितना मिला है इसको 12,000, सेल कितनी है 10,000 की सेल इसकी मानी गई, 12,000 इसकी, 28,000 इसकी, तो 14,500 की सेल होनी चाहिए, सेल दिखाई कितनी की है, एक्चुअल सेल दिखाई गई है $12,000 की, तो हमारा इनकम इंक्रीमेंट हो गया ना कितने से, 2,500। सरकार को मूर्ख ना बनाओ, $2,500 से अपनी सेल बढ़ाओ, दैट्स इट, ये हमको इससे लेना देना है। लास्ट वन मेथड, और इस मेथड का नाम है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, सिक्स्थ मेथड, फिफ्थ मेथड है ना, शॉर्ट में इसको TNMM मेथड भी बोलते हैं, TNM मेथड। क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही आसान है, देखें इधर, हिंदुस्तान लीवर इंडिया एक्सपोर्ट, इसने एक्सपोर्ट किया है टू यूनिवर लिमिटेड यूके, किसको किया है, और जानते ही हो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, एंड अर्न्स अ नेट प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स,
इसने अर्न कर लिया, पक्का। और जानते हो क्या डिलीवर किया है? जानना चाहोगे? शैम्पू, ठीक। सेल कितने की थी? 10,000 करोड़ की। तो नेट प्रॉफिट कितने का होगा? 10%, यानी 1,000 करोड़ का। बोलो ना, कुछ ऐसा हिसाब किताब था। आगे की कहानी, प्रॉक्टर गैम्बल इंडिया इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग शैम्पू टू अदर कंट्रीज। प्रॉक्टर लिमिटेड इंडिया, ये भी एक्सपोर्ट का काम करती है। और जानते हो क्या चीज? शैम्पू आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट का मतलब ही होता है आउटसाइड इंडिया, किसी भी दूसरी कंट्री में। क्लियर? और नेट प्रॉफिट अर्न करता है ये 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ओके, इसका मतलब उसी तरह का सामान बेचने वाली दूसरी कंपनी 25% का प्रॉफिट अर्न कर रही है, जबकि एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल करके हम 10% कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोचा तो है, हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है टैक्स का, दिख रहा है सामने। अब जरा देखा जाए ये 25% जेन्युइन है या ये 10% जेन्युइन है। लिखा है कि प्रॉक्टर गैम्बल इंडिया नेट प्रॉफिट इज हायर बाई 2%, 25% है, लेकिन नॉर्मली ये 25% नहीं होना चाहिए, ये 23% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये 2% इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ को सामान सेल होता है। किनको सेल होता है? जब भी ये कंपनी यूरोपियन कंट्रीज़ को सामान बेचती है तो इसका नेट प्रॉफिट 25% होता है। इसका मतलब अदर देन यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर सामान बेचती तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाती? कितना कमाती? नॉर्मल एनपी 23% इफ सेल टू अदर देन यूरोपियन कंट्रीज। बोलो ना, पक्का। अदर देन यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो 23% का जीपी। यहां पर अदर देन यूरोपियन कंट्री है, 23% का प्रॉफिट होना चाहिए, 23% का प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब सो सेल टू यूनिलीवर एट 23% जीपी। दस हजार का 23% कितना होता है? हाँ, है ना, नेट प्रॉफिट, सॉरी, लेस एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिखाया है? 1,000 करोड़। नुकसान दिया ना हिंदुस्तान को, कितने का? ये है इनकम इंक्रीमेंट। नहीं समझ में आया? तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। बोलो भाई, ये 5 मेथड्स थे, थोड़ा जल्दी नोट करें तो एक लास्ट पॉइंट डिस्क्राइब कर दें हम। चले, एक चीज याद रखना, कहीं नोट करना हो तो नोट कर लेना। अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस में एडजस्टमेंट करने के बाद तीन प्रतिशत से ज्यादा का फर्क अगर नहीं आता है, सुन लो, ऐसे ट्रांजैक्शन और आर्म्स लेंथ प्राइस के ट्रांजैक्शन के बीच का फर्क
है लेकिन 3% से ज्यादा का नहीं है तो भूल जाओ, कोई एएलपी का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन को ही हम एएलपी मान लेंगे। क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हो? अरे थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चलता है ना, अपने घर में सामान बेचो और बाहरी लोगों को सामान बेचो, 3% की छूट दी हुई है। कितने की? अगर सुनो, इफ द वेरिएशन बिटवीन द आर्म्स लेंथ प्राइस सो डिटरमाइंड एंड प्राइस एट विच द ट्रांजेक्शन हैज एक्चुअली बीन अंडरटेकन डज नॉट एक्सीड आर्म्स लेंथ प्राइस, हमारे एक्चुअल ट्रांजेक्शन से 3% से ज्यादा का नहीं है, तो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही हमारा आर्म्स लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। क्लियर है? पक्की बात है, नो एनी एडजस्टमेंट वुड बी नीडेड एट ऑल। पक्का? नहीं समझ में आई बात? टाटा बोले। थैंक यू बच्चों।